औरत, महिला, स्त्री, खवातीन, नारी, नारी, हाँ मैं नारी हूँ। किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की ननद, किसी की भाभी। ना जाने कितने मीठे मोहक रिश्तों को अपने आंचल में बांधे मैं ढूंढती हूँ खुद को, मैं मिलती हूँ खुद से। रिश्तों के इतने सुरीले सुरम्य आंगन में खड़ी मैं बनाती हूँ एक रिश्ता अपने आप से। जी हाँ, मेरा एक रिश्ता और है, और वह है मेरा मुझसे, खुद का खुद से, स्वयं का स्वयं से। अपना सब कुछ सबको देने के बाद भी मैं बचा कर रखती हूँ खुद को खुद के लिए। मैं नहीं भूलती उस खूबसूरत रिश्ते को जो मेरा मुझसे है। यही रिश्ता मुझसे मेरा परिचय करवाता है, यही रिश्ता मुझसे कहता है मुझ में ही झांकने के लिए। कितने मधुर सपने हैं मेरे भीतर जो साकार होने के लिए कसमसा रहे हैं। यह रिश्ता मुझे चुनौती देता है, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती। यह रिश्ता मुझे चुनौती देता है, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती। फिर यही कहता है मुझसे, सब कुछ तो कर सकती हूँ। यह रिश्ता मुझ पर मेरा विश्वास स्थापित करता है, और मैं जीत जाती हूँ दुनिया की हर जंग। मैं अपने आप से लड़ती भी हूँ, मैं अपने आप से प्यार भी करती हूँ, मैं अपने आप का सम्मान करती हूँ। यही रिश्ता बतलाता है मुझे। क्या आपका है अपने आप से यह रूहानी रिश्ता? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लाए हैं कुछ ऐसी ही प्रखर, प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित महिलाओं के विचार आपके लिए, आपकी प्रेरणा के लिए। तो हर दिन स्त्रियों के लिए खास होता है, हर दिन उनका है, लेकिन फिर भी उत्सवों की तरह या जन्मदिन की तरह एक दिन खास है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मैं मेरी सखी सभी सखियों को बधाई देते हुए ये संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने स्त्री होने का गर्व करें, एक स्त्री होने के गर्व के साथ जिए। एक बेटी होने के नाते और बेटियों की माँ होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटियों को बेटियों की तरह परवरिश दें। ये मेरा बेटा है ये मान करके उसकी योग्यता को, उसके अस्तित्व को कम न करें। यदि हम सम्मान की इच्छा रखते हैं तो ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम खुद अपना सम्मान करना सीखें, अपने व्यक्तित्व का सम्मान करना सीखें। स्त्री होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सपने देखने का स्त्रियों को उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। तो मेरी सभी सखियां सपने अवश्य देखें, उन्हें पूरा भी करें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उन सपनों को देखने के बाद स्वविवेक से विचार करें, श्रम करें और कर्म करें। मुझे लगता है हम इन राहों पर चलकर निश्चित रूप से हम अपने सपने पूर्ण कर सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी सभी सखियों को एक बार पुनः बधाई देते हुए एक बार फिर ये कहना चाहूंगी कि बहनों, अपने अस्तित्व का मान करें, सम्मान करें, अपने स्त्री होने का गर्व करें, स्त्री जन्म को सार्थक करें। मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं निर्भया कांड की बात करूंगी। इतना दर्दनाक हादसा था और उसका आरोपी अभी तक बचा हुआ है, और उसने क्या घिनौना बयान दिया है हम सभी देख रहे हैं। तक समझ में आ रहा है कि उसके इस तरह अपराध को जायज ठहराने को लोग मतलब उसको चाहते हैं कि ना दिखाया जाए। मैं पूछती हूँ क्यों ना दिखाया जाए? हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, वो
उसने कह दिया, बाकी जो लोग बहुत नहीं कह रहे हैं इसको छुपा के रख रहे हैं, सबकी मानसिकता यही है कि बाहर ना निकलें और अच्छे से कपड़े पहने, देर रात तक बाहर ना घूमें। और दूसरी बात ये कि और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है, मुझे लगता घर से ही आती है। इतनी हिंसक मानसिकता ना भी हो तो भी, जैसे कि घर में हमारी जो परवरिश होती है, हम कितना सोचते हैं कि बेटी बेटे का भेद ना रखें बच्चों के पालन पोषण में, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है कि बेटियाँ हमारी 10-12 साल की होती हैं, हम बीमार होते हैं कुछ है तो हमें हमारा माता सहलाती हैं, हमें हमारा ख्याल रखती हैं, लेकिन बेटे उस तरह ख्याल नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं चूक हो रही है, उनमें वो अहंकार की भावना रहती है कि हम औरतों के काम क्यों करें करके। ये समय स्त्री की प्रगति का समय है और उसके लिए जोखिम का भी समय है। स्त्री आज घर की दहलीज के बाहर कदम रख चुकी है, वह हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही है। फाइटर विमान उड़ा रही है, रेलगाड़ियां चला रही है और यहाँ तक कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर मीडिया कवरेज भी कर रही है। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि वे किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिरोध से ना डरें, ना घबराएं, ना पीछे हटें। आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास से कदम उठाएं और निरंतर प्रगति करती रहें, क्योंकि उनकी प्रगति पूरे परिवार की प्रगति है। वे जो बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को संभालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं और संस्कार देती हैं, वे ही स्त्रियां अगर प्रगतिवान रहेंगी तो पूरा परिवार प्रगतिवान रहेगा। इसलिए महिलाओं को किसी भी बाधा से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। भारत के अलावा सारे विश्व में जिस हिसाब से महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इससे यह पता चलता है कि आम समाज और लोगों के बीच महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एक जागरूकता बनी है। पर आने वाले समय में यह भी दिखता है कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं आई है जितनी महिलाएँ आगे तेजी से बढ़ी है। पर मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये एक्सेप्टेबिलिटी भी समाज के कई लोगों के में आ जाएगी और महिलाओं के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। इसी संदेश के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं आप सभी को देती हूं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वेब दुनिया की इस प्रस्तुति के साथ आपको भेंट दे रहे हैं यह खूबसूरत गीत।